ताइवान को इस वक्त चीन के जंगी जहाजों ने चारों तरफ से घेर रखा है। चीन के ये जंगी जहाज लगातार ताइवान को डराने के लिए युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने अपना एक बड़ा जहाज भारत के तट पर भेज दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने जहाज को भारतीय तट पर भेज दिया है। ये खबर चीन को बेचैन करने वाली है। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा जहाज 11 दिनों के लिए भारत के तट पर खड़ा रहेगा। अमेरिका के इस जहाज का नाम चार्ल्स ड्र्यू है। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका का ये जहाज मरम्मत के लिए चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इसके कई रणनीतिक फायदे मिलने वाले हैं। अमेरिका का ये जहाज भारत ऐसे समय पर पहुंचा है जिस वक्त चीन और ताइवान के बीच विवाद चरम पर है। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, लेकिन इसके कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर भारत और अमेरिका की नजदीकी से ही है। चीन जानता है कि भारत और अमेरिका का इस तरह से नजदीक आना उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। चीन इसलिए भी परेशान है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड में LAC के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं। और अब इन सभी के बीच अचानक भारत के तट पर अमेरिकी जहाज का पहुंचना साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका का ये जहाज अमेरिकी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जंगी बेड़े के संचालन में अहम योगदान देता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र वही इलाका है जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपने जहाज को रिपेयरिंग के लिए भारत भेज दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सब कुछ भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक समझौतों की वजह से संभव हो पाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी जहाज की रिपेयरिंग का मौका भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आया है। इस जहाज की रिपेयरिंग से भारत का शिपयार्ड रिपेयरिंग बाजार वैश्विक स्तर पर प्रचारित होगा। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और मेक इन इंडिया को भी फायदा मिलेगा।